एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने ना सुबह से अपने कई सारे यूट्यूब जो के फ्रेंड हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो आज मैंने अपने कई सारे फ्रेंड की वीडियो देखी है। सब लोग लगे पड़े हैं, सफाई अभियान चलाया हुआ सबने, सब लगे पड़े हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों से पहले हम कहीं और की सफाई करें ना करें, अपने पूजा घर को तो सभी अच्छे से क्लीन करते होंगे, तो सब लगे पड़े हैं सफाई करने में। और आज मैंने भी अपने पूजा घर की सफाई की है, अच्छे से सारा पूजा घर साफ कर दिया है। आज मैं भी सुबह से ही सफाई करने के लिए लग गई थी। वीडियो मैंने अभी शाम से के टाइम से शुरू कर रही हूँ, सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और सफाई का वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा भाई लेट हो जाता है, कभी फ़ोन को इधर सेट करो कभी उधर सेट करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है इसी चक्कर में। तो मैंने वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ी कि वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ती, वो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने पूजा घर अच्छे से साफ किया है। पूजा घर के साथ साथ मैंने आज बहुत सारी सफाई कर लिया, और भी पूजा घर साफ किया, और कुछ इधर जो छोटा सा स्टोर रूम है वो मैंने अच्छे से सारा क्लीन कर दिया। साथ के साथ थोड़ी सी सफाई किचन की भी कर दी। किचन की जो सारी रैके हैं मेरी, उनमें मैंने जो पुराने हो जाते हैं अखबार वो निकाल कर नए अखबार डाले हैं। जो मसालों के डब्बे थे वो सारे अच्छे से साफ कर सेट कर दिए हैं। मतलब आधा काम मेरा किचन का भी फिनिश हो गया है। और फिर छोटे वाले कमरे की मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी है। वहाँ पर जाली रखी हुई है, जाली का सारा सामान निकाल कर और उसमें भी अच्छे से साफ सफाई कर दी है। स्लेब पर भी नया अखबार डाल दिया है। बहुत सारा काम कर दिया है आज मैंने क्लीनिंग का। आज मैं सुबह में ही लग गई थी सफाई का काम करने के लिए। आज मैंने इसलिए खाना भी जल्दी बना लिया था। मुझे पता था कि सफाई के चक्कर में जब हम एक बार लग जाते हैं फिर पता नहीं चलता किस टाइम तक लगे रहते हैं। आज मेरा 3 बजे तक यही सफाई अभियान चला है। 3 बजे के बाद ही नहाकर खाना खाया है। सुबह बस पूजा कर और नाश्ता किया था। खाना मैंने सुबह में ही बना लिया था इसीलिए। तो आज बस पूरा दिन मैं भी सफाई में लगी रही और बस खाना वाना खाकर थोड़ा सा आराम कर फिर शुरू किया है वीडियो। सफाई का तो बनाया ही नहीं था, तो आज मैं सच में बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी, थक गई थी। बस थोड़ा सा लेट कर आराम सा लगता है, थकान सी दूर हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बात करते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो भी बनाना ज़रूरी होता है रोज का। और अभी जा रही थी बस मैं चाय बनाने के लिए, तो चलिए मैं चलती हूँ चाय बनाने के लिए और दिखाती हूँ मैं आपको। क्या दिखाऊंगी वैसे, आपको क्या पता चलेगा। वैसे मैंने सामान, मुझे तो पता है देखिए मैंने साफ किया है, सामान तो फिर से ऐसे ही लगा देते हैं तो थोड़ा सा कोई ऐसा नया सा लुक नहीं आता, कुछ चेंज करते हैं तो नया आता है। मैंने तो सारा सामान साफ करके फिर से ऐसे ही लगा दिया। बस पूजा घर में जो हम अंदर पेपर बिछाया रखा था मैंने, अभी पेपर वो निकाल कर वहाँ पर मैंने मैट मंगाई थी जो मैंने फ्रिज में भी डाली थी, उसका एक पीस मैंने बचा के रखा था, वो मैंने अपने पूजा घर में बिछा दिया है। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, वरना साफ सारा कर दिया है। बस ऐसे ही दोबारा से सारा सामान साफ करके दोबारा से लगा दिया है। तो बस तसल्ली हो गई है कि सफाई हो गई है। कल व्रत रहेगा तो व्रत में साफ सफाई का काम करने की कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़ा सा सुबह में पूजा मंदिर को दोबारा से साफ करके बस पूजा करनी रहेगी। आज सारा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और चलिए चलती हूँ किचन में चाय बनाकर लाती हूँ अपने लिए और कृष्ण के लिए। तो चाय में देखिए मेरी उबाल आने वाला है, अभी अच्छे से आया नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये मैंने मिर्च सुखाई है और धनिया उधर बाहर रखा हुआ है जो मैंने बताया था आपको मुझे सुखाने पे। तो आज अभी मैंने ये पीसी नहीं है, अभी अच्छे से नहीं सूखी, अभी देखिए इस तरह की हो रही है। तो ये अच्छे से सूखी नहीं है तो मैंने पीसी भी नहीं है। और ये ग्लास मैंने जाली में से निकाले हैं, ये यूज नहीं होते, वहां पर रखे हुए थे जाली में ये, तो मैं इन्हें ऊपर रख दूंगी यहाँ। तो ये मैंने यहाँ पर रखे हुए नहीं रखूंगी। और इसमें रखी हुई है किशमिश जो मिक्की मैं भूल गई थी कि हमारे ये किशमिश भी रखी है। आज मैंने जाली की सफाई की तो वहां पर इस डब्बे में देखिए दिख रहा होगा आपको, आधे से ज्यादा डब्बा है, ये भूल गई थी मैं रखकर और आज मुझे मिली ये। तो ये मैंने बाहर ही रख लिया, अब तो निकाल कर वरना फिर भूल जाऊंगी।
तो अभी चाय अच्छे से पकी नहीं है, और मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी सी मैंने जो किचन की क्लीनिंग की है। तो ये डब्बे मैंने सारे मसालों के साफ कर दिए हैं, नया अखबार डाल दिया है, तो देखिए सारे क्लीन करके सेट कर दिए हैं, ये सारा रैक साफ हो गई है। और ये वाली भी मैंने सारी सफाई की है, इसमें भी आप लोगों को तो नहीं लग रहा होगा लेकिन मैंने अच्छे से सेट कर दी है ये। और इसमें रखी हुई है जो पेठा मिठाई आती है वो, ये मुझे बहुत पसंद है। देखिए मैंने नए अखबार डाले हैं, आपको भी दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो जो मैंने साफ सफाई की है वो दिख रही होगी। और ये वाली सारे सामान मैंने दोबारा से साफ करके सारा अच्छे से फिर इसमें सेट कर दिया। सामान तो देखिए दोबारा से रखना पड़ता है, तो दोबारा से मैंने इसमें सेट कर दिया है। ये तीनों हो गई हैं और नीचे की तीनों साफ कर दी हैं, बस ऊपर का तो मैं करती रहती हूँ, इतना ज्यादा गंदा नहीं है। और मुझे सबसे ज्यादा कठिन काम अपने किचन का ये करना है, इसकी हालत देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है ये, इसकी हालत बहुत खराब है। पंखे की ये साफ करना है, बहुत ही ज्यादा चिपचिपाहट सी इस पर जमी हुई है, बहुत गंदा हो रहा है ये, इसकी बहुत टेंशन है कि ये कैसे साफ होगा, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूजा घर भी जो मैंने क्लीन किया है। तो देखिए, और ये मैंने मैट बिछाई है, इसमें पहले अभ्री पेपर डाला हुआ था वो निकाल लिया है मैंने, और ये मैट का पीस मैंने इसके बराबर कटिंग करके ये बिछा दिया है। और यहाँ पर ये लक्ष्मी जी के पैर रखे हुए थे, ये मैंने चिपका दिए हैं। तो देखो बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है, और दिख रहा है कि हाँ सफाई हुई है, सारा मंदिर मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और अभी थोड़ी सी लाइटें लगानी है मंदिर में, क्योंकि कुछ खराब हो गई हैं लाइटें यहाँ की, तो नई लगाएंगे। तो देखो बिल्कुल साफ लग रहा है, और ये मैट जो मैंने इसमें बिछाई है अच्छी लग रही है। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही है, अच्छी लगी है या नहीं। और ऊपर जो ये यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें रखी हुई हैं, ये भी मैंने अच्छे से धुल कर साफ कर दी है सारी, और यहाँ पर साइड में भी लगी हुई है। और यहाँ पर रखी हुई मेरी गंगा जल की बोतलें, तो मैंने पूजा घर भी अपना अच्छे से क्लीन कर दिया है आज। और अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। आज बना रही हूँ मैं आलू और बैंगन की सब्जी, और आज मैं सब्जी छौंक रही हूँ इस कढ़ाई में, और आपको यकीन नहीं आएगा इस कढ़ाई में मैंने तीन चीजें बनानी है। पहले मैंने बनाई थी पकौड़ी, इसी तेल में, कढ़ाई में बोल रही हूँ इसी तेल में पहले बनाई थी मैंने पकौड़ी, फिर बनाई मैंने इसमें पूरी, और अब जो तेल रह गया है इसमें अब मैं बनाऊंगी इसमें सब्जी। और इस कढ़ाई की हालत थोड़ी सी खराब है, ये जल जल के काली हो गई है ज्यादा, ये साफ नहीं होती, इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो अब जो ये बचा हुआ तेल है इसमें मैं सब्जी बना लूंगी, और अब जाके ये तेल खत्म होगा। और ये कढ़ाई हल्की बहुत है, पूरी पकौड़ी जैसी चीजें से बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मैं इसे ज्यादा यूज करती हूँ। बहुत जल्दी काम हो जाता है इस कढ़ाई में। और अब देखिए लाइटें जल रही हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। और अभी थोड़ी सी लाइटें और लगानी है, इधर जो लगी हुई थी ऊपर वो सारी खराब हो गई है, नई लगानी है। और अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, दिया जला दिया है शाम के टाइम का जो होता है, बहुत देर पहले जला दिया था मैंने। और उधर मैंने इंडक्शन रखा हुआ है दूध उबलने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरा पूजा घर। और चलिए वीडियो का एंड करती हूँ मैं अपनी, और आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।